आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन दूरदर्शन यादगिरी के खूबी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात प्रोग्राम में सभी नाजरीन का हम इस्तकबाल करते हैं नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद में बनाई जाने वाली दखनी और हैदराबादी बोलचाल पर मबनी फिल्में काफी पसंद की जा रही है इसको देश विदेश में हैदराबादी लैंग्वेज के तहत बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है न सिर्फ ये फिल्में हैदराबाद बल्कि अतराफ व अकनाफ के इलाक़ों में रिलीज़ की जाती है यूट्यूब के जरिए दुनिया भर में लोग काफ़ी पसंद करते हैं वैसे ये फिल्में अंग्रेज़ के बाद धीरे धीरे बहुत सारी फिल्में आई लेकिन आज आपकी हम मुलाकात उस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं अंग्रेज़ फिल्म के फाउंडर यानी प्रोड्यूसर बहुत अच्छे एक्टर और डायरेक्टर यानी आर के मामा जी से आर uh, के मामा साहब आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में जाँग। आपका बचपन किस तरह रहा आम बच्चों की तरह था या फिर आप क्योंकि फिल्म से रिलेटेड है आ, तो वो आपका बचपन में क्या सोचा था वो थोड़ा सा बताइए बचपन में अभी हम कभी नहीं सोचे कि हम फिल्म लाइन में आएंगे बल्कि ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद करता था और स्कूल वगैरह जो है वही जैसे आम बच्चे वही लाटोरी वही नौटंकी <laughs> तो आम के जाड़ा चढ़ना वो बोडियों में होली आए तो हम जो है महरीपटनम के आगे ये करोलबाग बोल के है बेरबन उसको अभी कारवान बोलते पूरा एरिया पूरा कारवान बोल के जाना जाता जी तो सलाडंग कॉलोनी वो एरिया में रह चुके तो जो भी लाटोरी जो भी नौटंकी की गिल्ली डांडुल से लेके गोलियों से लेके हर चीज़ करे सो है और स्कूल में जितने भी फ्रेंड्स थे पूरे तकरीबन ओल्ड सिटी के रहते थे अच्छा और जितने हमारे क्लासमेटा थे जॉय फिलिप्स अली रजा खालिद वो आज सामने के कबूतर नवाब बोलते थे खालिद हाँ यार हाँ। खान अच्छा और फसी नवाब ये अपने यूसुफ टेकरी बोल के देखो तो लोग पूरे हमारे क्लास यही रहते थे अच्छा तो सिक्स सेवन एट नाइन ऑलमोस्ट टेंथ तक फिर बाद में भी वो टेंथ में भी बहुत सारे ओल्ड सिटी के और बाहर के भी एक दो बाहर से भी आए सो है तो मतलब दूसरे स्टेट से आके हॉस्टल में रहे से रहे सो है तो इन लोगों से जितना हमारा जो बचपना जो है क्रॉस कल्चर तेलुगु थोड़े काइश थे थोड़े अपने मुसलमान थे सब तो क्रॉस कल्चर पीपल थे अच्छा उसमें जो है हमारा मालूम ही नहीं पड़ता था कि हम किसके साथ है क्या है कौन क्या है जात पात का कोई कभी जिक्र नहीं नहीं नो 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 में तो तो भी नहीं था इतना इतना क्लोज थे होते दीवारा कूद के पिक्चरों को जाना सब करे सो है अच्छा मगर फिल्म लाइन में आते बोल के कभी नहीं सोचे ज्यादा मैं क्रिकेट पे तो देता था क्रिकेट में बाद में क्रिकेट आप यूनिवर्सिटी तक खेला अच्छा तो हमारे अभी जितने भी हमारे साथ खेले थोड़े लोग जो है कंट्री को खेलो सो है अच्छा और फास्ट बॉलर्स थे हम लोग हमारे कोच रहमत अली पे एक साहब थे अच्छा तो असद हम लोग पूरे अभी है, हैदराबाद के एमपी जो असद साहब है हम लोग पूरे वो इनट्स को जाते थे अच्छा। पूरे छः सिक्स फुटर्स रहते थे अच्छा जितना भी वो वो कल्चर वो सब देखे सो है बचपन में वही फिल्मों में रिफ्लेक्ट करना बाद में जो है अंग्रेज का कॉन्सेप्ट से लेके जो है बाद में हैदराबाद नवाब से लेके आप बोले थे इससे पहले अंग्रेज का प्रोड्यूसर मैंने हूँ श्रीधर राव है एक्चुअली श्रीधर राव प्रोड्यूसर है हमारे ऑफिस से बना उसमें वो अंग्रेज फिल्म जो है वो थोड़े फिल्म अपन बनाते थोड़े फिल्म बन जाते बिल्कुल अंग्रेज ऐसी फिल्म है जो बन गया सब का कंट्रीब्यूशन है उसमें सब अजीज से लेके सलीम पेकू अजीज हर कोई छोटे छोटे -चो, छोटे आर्टिस्ट भी आपने अपने तो रिहर्सल करके एक ट्रायल शूट करके बनाया सो है जब आपकी हाइट पर्सनैलिटी जी वो हिसाब से आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते थे जी जी लेकिन बन गए आप स्पोर्ट्स से एक एक्टर जी जी और फिर प्रोड्यूसर फिर डायरेक्टर जी।, जी आप क्या महसूस करते हैं कि वाकई आपने जो चूज किया था आपका जो इमेजिन था वो परफेक्ट है या फिर आप कहीं कहीं लगता है कि मैं अगर स्पोर्ट्स पे होता तो मैं कुछ और मुकाम हासिल करता नहीं ऐसा नहीं है स्पोर्ट्स में बहुत कोशिश करा मैं हरीब करीब करीब छः सात घंटे एवरीडे वर्कआउट करते थे स्टेमिना के लिए क्रॉस कंट्री भागते थे फिर प्रैक्टिस में चार चार घंटा जो है बॉलिंग करते मैं बॉलर था जी जी बॉलिंग करते थे और वो हिसाब से डाइट भी मेंटेन करते थे वो वो पर्सनल जिमिंग वगैरह करते थे अभी जो पर्सनल अभी दिख रहा मेरा उससे डबल था मैं आदमी योगा उसमें आके जो है हो गया <laughs> <laughs> मतलब वो टाइम में जो है हाँ ऐसा रहते थे हम लोग अच्छा uh, मगर स्पोर्ट्स uh, में बहुत हम लोग बहुत ड्रीम किया मतलब कंट्री को खेलना वो लेवल तक हम लोग रोज खाप देखते थे मतलब बिल्कुल कोच रहमत अली साहब तो उतना कॉन्फिडेंस देते थे हमारे बाद में जो है बिजनेस में कॉलेज उसके बाद बिजनेस उसके बाद जो है अपना ज़िंदगी में क्या करना और स्पोर्ट्स में जो है वो हो गया एक हद हाँ तक बहुत कोशिश करें उसके बाद मालूम है आपको क्या पॉलिटिक्स है कंपटीशन है तो अलग अलग वजह है सही है बाद में फिर मेडिकल इक्विपमेंट का एक कंपनी को थे हम लोग करीब तो करीब चौदह पंद्रह साल मैं हम लोग मैं और एक पार्टनर दो तीन पार्टनर आते हैं हम लोग तो इनिशिएटिव मई इनिशिएट किया था तो 40 एम्प्लॉज रहते थे तो दोनों स्टेट ए पी और कर्नाटका में ट्रेडिंग करते थे आहा। उसके बाद जो है एक, एक दिन ऐसा आया कि वो थोड़ा बोर मारने लगा अच्छा तो ये निखिल कुंटा आया था एक दिन मेरे पास उसका एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आया था नहीं भाई ऐसा नहीं बचपन से एक ये मेरा रहता था कि ये कल्चर अपना जो जो कॉमेडी जो होता था इम्प्रमटिव तब सडन जो है अपन जो ईरानी कैफो में बैठ के जितना मस्करापना करते थे हम लोग वो सब कहीं भी कोई भी फिल्म में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। और ये लैंग्वेज भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ अपना जो दकनी तहजीब वगैरह ये अपना बॉडी लैंग्वेज ये लैंग्वेज के साथ जो बोलना एक अलग है बोलने के साथ साथ अपना एक बॉडी लैंग्वेज रहता दकनी बोलने में हाओ यार हो ये, ये सब चीज़ें जो है दूसरे उसमें नहीं होते हैं। नहीं होते सही तो ये चीज़ों का जो है कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ बोल के मैं उससे जिक्र करा तो फिर उन्हें वो कॉन्सेप्ट भी आइडिया शेयर किया फिर उसका भी मेहनत है फिर बाकी जितने भी अजीज़ असगर मतलब सलीम पे को बाद में आपको फिर उसके बाद ये आ, फिल्म बनाना कौन कॉन्सेप्ट बन गया है सब फिर हम सुरेश बाबू के पास जो सुरेश प्रोडक्शंस है रामानायडू स्टूडियो बहुत जाना माना प्रोडक्शन हाउस है सुरेश बाबू साहब को जानता जानता था मैं पहले ही अच्छा और वहाँ पे सी ई रहता था राम मोहन बोल के उनके पास लेके गया अरे ये कॉन्सेप्ट ये इसमें स्टोरी नहीं है वो नहीं है बोले स्टोरी अच्छा। नहीं है ये फिल्म नहीं बन सकता बोले मगर मेरे को कॉन्फिडेंस था वो निखिल को भी कॉन्फिडेंस था तो बाकी लोगों को भी फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस एक प्रोमो शूट भी किए कॉन्फिडेंस आया उसके बाद तो मैं ही बनाने का कोशिश करा मगर श्रीधर राव प्रोड्यूसर वो, वो आ, आपके दोस्त थी दोस्त हाँ तो उसके बाद जो फिल्म बन गया बनने के बाद जो फिल्म देखने के बाद अच्छा ठीक है भाई ये जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला टाइप का फिल्म जो बनते थे ये छोड़ के ऐसा भी फिल्म बना सकते बोल के कॉन्फिडेंस आया अच्छा अच्छा ठीक है अपन भी फिल्म बना सकते फिल्म छेलते लोग देखते क्यों वो ट्रायल शोज डाले थे स्टार्टिंग अच्छा, अच्छा एक दस शोज करीब करीब डाले थे जितने भी लोग देखे वो पसंद करे ये हंसने लगे कि सीट के एड्स तक जाके फिर जो है लोट लोट के हंसे <laughs> आपको हैदराबाद में बोलते हैं ना <laughs> हैदराबादी में लोट लोट, -लोट के, के हंसे फिर बहुत एंजॉय कर रहे थे पब्लिक अरे ये तो हाई भाई चलता ये ऐसा नहीं है कि एक फिल्म बोले तो ऐसा बनाना ऐसा ही बनाना बोल के कोई वो नहीं है एज लॉन्ग एज एक फिल्म जो है एंटरटेन कर सकता ऑडियंस को वो कैसा भी बना सकते आप सही बात ये बात ये है हाँ, तो तो इसीलिए फिर फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया तो, अंग्रेज का तो आपको मालूम है कैसा चला क्या हुआ जबरदस्त धीरे धीरे और वो फिल्म के फिल्म का पब्लिसिटी के लिए उतने पैसे नहीं थे मतलब वो ऑल इंडिया लेवल पे रिलीज कर सको फिर आप ऑल इंडिया लेवल पे जो जितने भी चैनल हैं पब्लिसिटी कर सको बहुत पैसे लगते हैं ना भाई सही है और ये इसमें बहुत ये बात को आप मैं तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि हम ऑडियंस बनाए जी फिल्म ऑलरेडी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है हिंदी है पंजाबी है और बाकी लैंग्वेजेस के मराठी भी था जब तक मगर उर्दू अपने हैदराबादी दक्कनी के लिए हम लोग एक फिल्म ये फिल्म के साथ साथ जो है एक एक करके हज़ारों लाखों करोड़ों ऑडियंस को हम ये फिल्म भी देख से ये फिल्मा भी बनते बने तो ये एक्सेप्ट करते बोल के हम ऑडियंस भी बनाए सो है बिल्कुल यानी आप इंडस्ट्री करने में हाँ इसमें एक्टर हा, नहीं है मतलब कोई पर, पर्टिकुलर पर... कोई नहीं आक, नहीं पहचानत के कोई एक्टर्स नहीं थे कोई नॉन एक्टर्स नहीं थे हाँ इसमें कोई अक्षय कुमार अक्षय कुमार शाहरुख खान या कोई भी छोटे किस्म के एक्टर्स कोई भी तो ऑल न्यू फेसेस नया लैंग्वेज नए फेसेस और ऑडियंस भी नहीं नया बैनर तो ये सब नया डायरेक्टर नया प्रोड्यूसर एवरीथिंग न्यू बट स्टिल पीपल एक्सेप्टेड सो इसको एग्जाम्पल है ये आप, है. आप आपको कन्विक्शन है आप आप ड्रीम करते कि ऐसा चीज़ एक आपको कॉन्फिडेंस है तो कोई भी चीज़ किसी के सामने अगर लगा तो वो एक्सेप्ट करते तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद आदाब हैदराबाद वक़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आज हम बात कर रहे हैं, हैं हैदराबाद के जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर आर के मामा से जी। आ, आपके जहन में यह था कि भाई ऐसी फिल्म बननी चाहिए एक नई ऑडियंस आएगी लोगों को एक नया चस्का लगेगा हैदराबादी लैंग्वेज का आपको पूरा यकीन था जी कहीं कहीं आपको कुछ डर सा नहीं महसूस हो रहा था क्योंकि काफी हद तक उसमें पैसे लगते हैं हाँ। और फिर ये फिल्म आएगी लोग पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे फिर वो इंडस्ट्री कायम हो सकती वो तो, है वो, तो है वो तो है वो तो है वो तो हंड्रेड परसेंट तो है क्यों बोले तो ये कोई इस्टेब्लिश इंडस्ट्री नहीं है नहीं है एस्टैब्लिश्ड और नॉन लैंग्वेज भी नहीं है तो वो तो था तो पहले के जो श्रीधर राव की भी था मतलब कॉन्फिडेंस था अच्छा कॉन्फिडेंस से जो है करो फिर उसके बाद जो है मैं है, हैदराबाद नवाब बनाए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया तो हैदराबाद नवाब बनाए वो भी डर के ही अच्छा वो डर के में में बने के में बने डर के सो है वो भी क्यों तो हम कैसा हम कैसा सोचने वाले हैं बोले तो अच्छा खाने पीने को है भाई तो थोड़े बहुत पैसे गए तो क्या होता थोड़े बहुत नए नया और एक हैदराबादी कल्चर को अपने तहजीब को अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने जो भी हाँ जितना हो सकता अपन अपने, अपने हाथ से करे बोल के पलाना आर के करा इतना तो कंट्रीब्यूट किया अपने इसके लिए बोल के लोग सोचते पहचानते जानते बोल के हम लगाए सो पैसे सही है तो मतलब मगर सब लोग कोऑपरेट किए और सब लोग साथ दिए सब लोग जुड़ के एक फैमिली के जैसा रह के फिल्म बनाए सो है बिल्कुल उसके बाद आपको मालूम है बाकी के फिल्म कैसे बिल्कुर। 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 आप बोले स्पोर्ट्स और पहले पूछे थे आप एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आपको मौका नहीं मिला आ, लेकिन उसके बाद कहीं आ, आपको अफसोस था स्पोर, नहीं स्पोर्ट्स में हम तरक्की करते बोल के कर सकते बोल के हमारे को कॉन्फिडेंस था मगर नहीं कर सके उसके बाद और एक मौका दिया ऊपर वाला तो ये है फिल्म फिल्म के जरिए हम तो आज दुनिया में पहचान पहचान है तो ओनली सिर्फ आप वो डायलॉग जरूर सुनाइए पहचानो हाँ पहचानो रे पहले पहचानो लोगों को <laughs> तो ये क्या है आप किसी को टुकराना नहीं नकारना नहीं किसी को ना बोल के नहीं बोलना किसी को जानने पहचानने और परखने से पहले नेवर डिस्कार्ड नहीं बड़ी इंग्लिश में करेक्ट वर्ड है डिस्कार्ड नहीं करना किसी को सही बात और जात पात और वो उसका तो बहुत दूर दूर की बात है

ऑफिस में एक मौके के लिए जिसके पास फन था वो किसी के ऑफिस में गए तो नहीं बाहर से बाहर ही वो नहीं करना आप बाहर से बाहर ही अंदर भी नहीं आया उन्हें ऑडिशन भी नहीं दिया चेहरा देख के नहीं होता जाओ वो था उस टाइम में और अब थोड़ा बदल गया लोग बदल, बदल गए अभी हर किसी को अभी क्या है वो सोशल मीडिया आया आप किसी का ऑफिस में घुसने का जरूरत नहीं है <laughs> आप ऑफिस आप, आप वाले आपके घर में घुसेंगे आपको अच्छा टैलेंट है <laughs> फन है बोले तो सही है, सही है। आपको खींच के ले जाएंगे <laughs> वहां से जो है आपको हुक डाल के निकालेंगे सही है तो ऐसा हो गया मगर उस टाइम में जो है मैं अभी अपन जो 2004-5 में इतना नहीं था सोशल मीडिया भी इतना पॉपुलर नहीं था मामा अभी आपने गुफ्तु के दौरान बताया कि भाई भे, भेदभाव नहीं जिसके पास टैलेंट होता है हाँ जी उसको आपने प्रमोट किया बल्कि मौका दिया, दिया तो किन किन लोगों को आपने मौका दिया थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए वो बातें जिस तरह हम हमारी जो लिस्ट में पहला नाम जो आता है अदनान साजिद खान अदनान साजिद हाँ गुल्लू एफ एम जो वो कैसे रहा हैदराबाद है। नवाब्स के बाद जो है गुल्लू हैदराबाद नवाब्स के बाद एफ बनाया था मैं जी तो ये एफ में फन और मस्ती इसमें जो है एक मेन कैरेक्टर एक कॉमेडी लुक रहना भाई को भी ट्राई रहे थे मगर वो दूसरे कामों से नहीं हुआ तो फिर पर्टिकुलरली एक कॉमिक फेस और कैरिकेचर मैं ड्राइंग करके बताया था ऑफिस में अजीज को इन लोगों को तो लंबे हाथ मोटा नाक हाइट कम छोटा गर्दन तो अलग ही रहना भाई थोड़ा तो वो उसके ढूंढ रहे थे हम अच्छा हैदराबाद पूरा हर किसी को बोल के जो है अरे कहीं मिले तो देखो भाई एक अच्छा आर्टिस्ट कोई मगर एक दिन जो है अदनान शाहजी उससे पहले हम एक बार इनके ये ऑर्केस्ट्रा सिंगर थे अच्छा वो तो इनके पास एक शो देखने गए थे तो एक माइंड में था तो ढूंढते ढूंढते अपने ऑफिस को आए हाँ अगर एक मौका दो एक गाने का मौका दो बोल के पूछ रहे थे तो बोला गाने का मौका क्या इमीडिएट एक मिनट में मैं एक मिनट भी नहीं लिया ऑडिशन दो आप जरा कुछ और एक कैरेक्टर है वो जबरदस्त आप एक्टर एक्टिंग करने का शौक रखते हो नहीं सब कहीं को नहीं बोल के बोले उन्हें ओके हो गए ऑडिशन ले लिया अजीज तो इकबाल था स्क्रिप्ट में एक्चुअली नाम अच्छा। उसको मैं चेंज करके जो है गुल्लू एक एक न्यूट्रल नाम रहना बोल के अच्छा गुल्लू बोले तो मालूम नहीं होना लोगों की ये कौन है मुसलमान है हिंदू है सिख है एक न्यूट्रल नाम रहना बोल के गुल्लू बोल के लगाए अच्छा उसके बाद से गुल्लू मशहूर है आपको मालूम है बिल्कुल फिर हैदराबाद नवाज में तबर बहुत सारे आर्टिस्टों को नामा अनिल बोल के एक म्यूजिक डायरेक्टर थे फिर उन्होंने अभी नहीं है बाकी के जितने भी बहुत सारे पार्थिपन बोल के कैमरामैन थे एफ़एम फिर के फर्स्ट टाइम कैमरामैन थे उन्होंने पहले स्टडी कैम ऑपरेटर थे अच्छा उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर इलाही शेख इलाही पंडित भवानी शंकर साहब पकावच के एक्सपर्ट उन्होंने बॉलीवुड के करने वाले आके करे सो है फिर आदिल हुसैनी मालूम है आपको सूफी गाने गाते वो नुसरत साहब के शागिर तो ये बहुत सारे आर्टिस्टों को बहुत सारे जितना हो सकता जितना हमारे हाथ से हम क्या जिन जिन को मौका दे सकते क्यों बोले तो यहाँ पे अपन उर्दू बात करते दखनी बात करते हिंदी बात करते बॉम्बे जाके आप हिंदी फिल्मों में ट्राई करना बोले तो बहुत बड़ी बात है मतलब आप घसना पड़ता <laughs> सही है हर <laughs> चीज़ को वहाँ जाके फिर वो स्ट्रगल करना पड़ता तो जितना हो सकता अपने हाथ से जो वो अपन ट्राई करके मौका दिए लोगों को सही है हीरोइंस को दिया मैं हैदराबादी बच्ची हैदराबाद नवाज़ में एक वो दो दो, दो एक हीरोइन तो हैदराबाद की थी फिर एफएम में नए दो लड़कियों को म्यूजिक अच्छा। डायरेक्टर को अच्छा फिर उसके बाद थ्रिलर में अजीज को फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बनाया अजीज़ अजीज, अजीज नासर जी के मैं डायरेक्टर हम ही बनाए उनको फिर उसके बाद अंदर ही बंधु आया बोल के एक तेलुगु फिल्म बनाया हमें चंद्र सिद्धार्था बोल के बहुत पॉपुलर डायरेक्टर है वो आनलुगुरु फिल्म बोल के आन बोल के बहुत पॉपुलर फिल्म है वो फिल्म के डायरेक्टर मेरे बचपन के दोस्त है वो चंद्र सिद्धार्था को लगा के शर्वानंद हीरो है वो फिल्म के अंदर ही बंधु आया बहुत मशहूर है बहुत काफ़ी चलता हो वो फिल्म टीवी में अभी और उसके बाद हैदराबाद नवाब्स टू लास्ट ईयर 19 में 2019 लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर लॉकडाउन से पहले बना है सो वो आपको मालूम है आप भी उसमें वो फिल्म में सही है और उसमें भी नए लोगों को मौका दिया है उसमें सूफी बोल के एक बच्ची और आ, इनको अपने दूसरे हीरोइन दूसरे हीरो अजीज़ के साथ हाँ। जो अली रजा, अली, रजा। अली, रजा। अली रजा को पहली बार हैदराबादी जर्नी में जो हाँ। है डायरेक्ट नहीं करा मैं कोई फिल्म लोग बोलते मेरे को डायरेक्टर डायरेक्टर बोल के और ये हो हाँ। तो गया तो तो की अभी फिल्म डायरेक्ट कर दिया तो उसके बाद आगे जो है कुछ भी अच्छे स्क्रिप्ट्स और कुछ भी नॉलेज में आए तो बनाने का ये है और हमारा जो है हमेशा एक दिल में एक सोच रहता कि और भी लोग हैं वो पैसे वाले लोग हैं बहुत लोग हैं तो वो लोग आप कोशिश का तो फिल्मा क्यों नहीं करते हैदराबादी फिल्म बनाना दुनिया भर दिखाना क्यों बोलो तो यहाँ का लैंग्वेज यहाँ का तेजीब यहाँ का फन यहाँ का ये यह अदा ये अलग है टोटली अलग फ्रॉम एवरीबडी लाइक अदरक के पंजे जो आपका पॉपुलर प्ले है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनको जगह है अदरक के पंजे वैसा वैसा, वैसा पॉपुलर डक्नी प्ले है वो तो डक्नी लैंग्वेज को और दक्नी कल्चर को लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं और करेंगे भी तो और भी लोग जो है ये फिल्मों को बनाना बोल के हमारा खाए जितना हो सकता हमारा स्टैमिना हम बनाए बिल्कुल ऑलमोस्ट पंद्रह साल हो गए मगर और पैसे और अच्छे तरीके से और थोड़े बाहर के आर्टिस्टों को लेके बड़े आर्टिस्टों को बड़े लेवल पे पब्लिसिटी वगैरह करके और कर सकते बोल के हमारा ख्वाहिश और उम्मीद और जो तो है, 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 अच्छा लेकिन मामा आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया और कॉमेडी सब्जेक्ट पर फिल्में आपने बनाई लेकिन क्या वजह है कि आप दूसरों को कॉमेडी का मौका देते हैं और आप सीरियस रोल करते हैं इसकी वजह क्या है नो हर चीज को एक रिफ्लेक्ट एक कोई सीरियस कैरेक्टर है तो ये कॉमेडी का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता इट्स कॉमेडी इज इज लाइक लाइक समटाइम्स बॉल तो ये कॉमेडी हर तरीके का होता पहले के एक्टर्स भी बहुत सारे थे सीरियस भी करे तो कभी कभी उस सीरियस लेवल पे करे तो हंसी आता था अच्छा तो हंसते भी है आप तो वो सीरियसनेस में भी एक इनोसेंस है ये अच्छा। हैदराबाद के पहलवाना जो थे पहले के हम लोग आज देख चुके हैं आप भी देखे होंगे बचपन के ये कितना भी खतरनाक होने दो पहलवान यहाँ हैदराबाद लाइट इनोसेंस रहता उनके चेहरे पे वो टाइप का कैरेक्टर है मेरा

अपने कैरेक्टर्स को ये टाइप के जो जितने भी कैरेक्टर है, हैदराबादी फिल्मों में ये जितना अपन जिस तरीके से अपन कॉमेडी को पेश करना चाहते करते कर रहे ये चीज को दूसरे लोग थोड़ा थोड़े फिल्मों में देखो मैं बाद में तेलुगु फिल्मों में थोड़े फिल्मों में देखा ये रिफ्लेक्ट होते हाँ थोड़ा ट्राई करते ऐसे टाइप में बनाने का करने का ट्राई करे थोड़े फिल्मों का नाम आने ले तो मगर बड़े बड़े डायरेक्टर कोशिश करें अच्छा मगर एक चीज़ का एक मेरे को हमेशा वो रहता कि अपने एक्टरों को तेलुगु फिल्म बिकॉज तेलुगु इंडस्ट्री बाजू में है अपने बिल्कुल तो अपने एक्टरों को ज़्यादा वो लोग मौका नहीं देते वो एक चीज़ को मेरे मेरा मेरा फील होता फील है। रहता अब आपको भी दे सकते हैं आप कितने अच्छे एक्टर हैं और गुल्लू भी अच्छा एक्टर है अजीज़ है अजीज अभी अजीज को अभी अभी थोड़ा मौका मिल रहा अभी अज़गर है और जित कितने एक्टर्स बहुत सारे, सारे एक्टर्स हैदराबादी में सबको ले सकते हैं बाहर से इधर से, से कुछ मौका मिल गया तो हाँ, रोजगार <laughs> हो, सकता और है। में भी हो सकते बोल के मेरा ख्वाहिश है। सही है लेकिन मामा आपने तेलुगु का जिक्र किया है तो आपने बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूस की है जी जी उस बारे में हमारे ऑडियंस को जरूर बताइए नाजरीन को बताइए कि आप हैदराबादी फिल्मों से जुड़ने से पहले तेलुगु में भी शायद आपने काम किया तेलुगु में तेलुगु फिल्मों में काम किया मैं अपने हैदराबाद नवाब्स के बाद ही पहले जगपति बाबू साहब हमारे अच्छे दोस्त थे तो जी बहुत जी। पहले से दोस्ती है हमारा और जयंत परांजे बोल के टक्कर ही दूंगा महेश बाबू के साथ और बड़े बड़े एक्टरों के साथ करे तो उन लोगों से मेरा हमारा एक बहुत अच्छा पुराना रिश्ता है आ, मगर हैदराबाद नवाब देख के जो है पवन कल्याण साहब एक दिन बुलाए हमारे को ट्रीट करे और अच्छा। उनके फिल्म में मौका दिए मैं मय, और इस्माइल भाई दोनों उसमें दिखते आपको सरदार गब्बर सिंह पिक्चर अच्छा सरदार गब्बर सिंह पिक्चर में फिल्म में उन्होंने खुद बुला के मौका दिए सो सोहे आप करना बोल के तो उसके बाद फिर मैं पैसा बोल के कृष्णावंशी साहब अपने पिक्चरों को बहुत चाहते सिटी अच्छा। के कल्चर को बहुत पसंद करते वो पैसा बोलके एक नानी के साथ उसमें भी भी को 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 तबर को, दोनों को मौका दिए अच्छा। और और भी पिक्चर परसों आया था वो अच्छा। अनिल डायरेक्टर साहब एक ही सीन है मगर अच्छा लोग बहुत पहचानते अंदर ही फिल्म उसमें किया शर्वानंद हीरो चंद्र सिद्धार्थ डायरेक्टर और क्या है अपन ज्यादा जो है लोगों को जाके आ, बोल तो जा, नहीं सकते पुछ, नहीं सही नहीं पूछता पूछता ज़्यादा तो, मगर जब-जब मौका मिला मैं काम किया तेलुगु अच्छा, में आपको ये जो है पॉपुलर फिल्मा है इससे जानते भी लोग थोड़े और छोटे छोटे फिल्म बहुत किया मैं अच्छा टोटल फाइव फिल्म बनाया मैं अच्छा हैदराबाद अंग्रेज अपने ऑफिस में से बने सो है मगर मैं वो दूसरे मेरा प्रोड्यूसर तो आपके दोस्त थे दोस्त आपके आ, लेकिन आपके कहने पे वो प्रोड्यूस जी जी, जी हमें जी 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 फिर हैदराबाद नवाब्स बड़े बजट सबसे बड़े बड़ा बजट का फिल्म हैदराबाद नवाब्स रहा फिर उसका एफएम एफएम एक्चुअली इससे ज्यादा पैसे लगे एफएम में उसके बाद थ्रिलर थ्रिलर बना उसके बाद अंदर ही बंद हुआ उसको तमिल में भी बनाया हम गोकुलम बोल के तमिल में बनाए वही फ़िल्म को फिर हैदराबाद नवाब्स टू ओके okay. मैं अब ये फ़िल्म चैम्बर तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जॉइंट सेक्रेटरी था फिर प्रोड्यूसर काउंसिल में वाइस प्रेसिडेंट रह रह चुका हूँ फिर सेक्टर में सेक्रेटरी वगैरह ये जब जब मौका मिला वहाँ पे तेलुगु फिल्म चैम्बर में क्यों बल अपना चैम्बर नहीं है हैदराबादी फिल्म ये बहुत अहम बात है बात। तो जो भी हैदराबादी फिल्मों का जो भी बात है जिक्र है जो भी अपने रिक्वेस्टा है मैं अकेला रिप्रेजेंट करता था मैं अकेला पूछता था अच्छा गवर्नमेंट को जो भी जाता था और जो भी ये सब्सिडी का यहाँ का यहाँ का गवर्नमेंट जब बना फिर एफ में बहुत ट्राई किया मैं ये अपने हैदराबादी पिक्चरों के लिए कुछ हो सकता लोगों का भला हो सकता बोल के बहुत कोशिश की अभी भी कोशिश करते रहता हूँ मैं हैदराबादी फिल्मों को जरा जी अलग पहले टैक्स जी में नहीं था जीरो टैक्स कर दो बोल के वो पूछता था थिएटर मिलना मुश्किल होता था हमारे को तो उसके लिए लड़ता था मैं हैदराबादी फिल्मों को रिलीज करना बोलो थिएटरा नहीं मिलते थे वो एक अलग चैप्टर है वो सही है सही हाँ लेकिन आपकी हैदराबादी लैंग्वेज से जो मोहब्बत है जी जी, जी। और यहाँ की तहजीब तमदन को आप जो प्रेजेंट करना चाहते हैं फुल फुल इसका जिंदा मिसाल है आर के इसका स्वीटनेस जो है कहीं भी नहीं मिलता आपको <laughs> सही है।, इसका जो है ये ये उर्दू का ये हैदराबादी का दखनी का वो कहीं नहीं, मिलेगा हाउ कैकू नक्को बोले तो हस्ते यार होगा बाहर जाके आप सही है बात है तो ये अलग है अपना है ये अपनी बात ही है हाँ बस बिलकुल मामा थोड़ा सा हम यहाँ पर रोकेंगे तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मुख्तर से वक्फे के बाद आदाब हैदराबाद वक़े के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं आज हम बात कर रहे हैं, हैं। हैदराबाद के जाने माने एक्टर प्रोड्यूसर आर के मामा से आर के मामा साहब आपने ज़िंदगी की शुरुआत के बारे में आप ब्रेक से पहले बताया अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा आपने बहुत सारी फिल्में की हैं लेकिन आपको जो फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आती हो उस बारे में बताइए या फिर कुछ उसके डायलॉग अगर आप सुनाना चाहते हैं तो जरूर मैं बनाए सो ही फिल्म जो है जी। वो, वो हमारे को स्टेट अवार्ड्स भी मिले थे उस टाइम के नंदी अवार्ड्स अच्छा तो उसमें जो है लास्ट में मेरा कैरेक्टर जो है मर जाता ये कैरेक्टर जो है हीरो का हीरो के जो है हार्ट और आइस वगैरह लेके पांच लाख रुपए का कर्जा देता हीरो को अच्छा ఏ క్యారెక్టర్గా జో లాస్ట్ లాస్ట్మె మరితే మరితే ఓ బోల్తా ఏ మేరకు మేర బచ్చాచు మేరా చోటా బచ్చా రతా ఏ ఇసుకు బతాం హీరోకు మరితే మరితే బోల్తాం హీరోకు ఇసుక అమ్మ దీనికి అమ్మ లేదు నాయనా కూడా ఉండాడు వీనికి నీలాగా ప్రేమించే మనసు కావాలి అందుకే నీ గుండె రాపించుకున్నా

अच्छा हम्म तो फाइनेंसर रहता है एक्चुअली अच्छा तो स्टार्टिंग में जो हीरो के जो है हीरो का दिल और आंग जो है वो हिंदी में भी बहुत बाद में डब हो हिंदी में बहुत मशहूर है वो अच्छा वो चल रहा हो मतलब मिलियंस में है उसके व्यूज करीब मैं समझता हूँ फोर्टी मिलियन व्यूज है वो सीन के लिए अच्छा हिंदी में हिंदी में डब होने के बाद बहुत जबरदस्त अच्छा मामा आपने वैसे बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की लेकिन हालिया दिनों जो हैदराबाद नवाब टू जिसमें आपका डायरेक्शन भी था जी और ख़ुद आपने एक नए कॉन्सेप्ट पर यह फिल्म बनाई जी उस बारे में बताइए क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था आपको क्या यकीन था कि ये फिल्म चलेगी क्योंकि रियल इस्टेट का जो बिल्कुल नया सब्जेक्ट था जी जी आ, तो क्या सोच के आपने ये फिल्म बनाई रियल इस्टेट का अपन को नॉलेज है मैं रियल इस्टेट करता हूँ अच्छा तो बहुत सारे इलीगल लेआउट्स होते हैं इलीगल बिल्डिंगा बन जाते जब ये डिमोलिशन पे आता अथॉरिटीज आके आपके बिल्डिंग को तोड़ देते या आपके लेआउट को खत्म कर देते ये गवर्नमेंट लैंड पे है बोल के फिर वो गरीब लोग कहाँ जाना वो गरीब लोग कितने तकलीफ में जाते ये चीज मेरे माइंड में रखते हुए कॉमेडी अंदाज पे हम फिल्म बनाए वो हैदराबाद न ओल्ड सिटी का एक चिंदी बिल्डर <laughs> <laughs> चिंदी बिल्डर साठ गज में पांच फ्लोर बना लेता सही है रो, रोड पे जो है सीडियाम डाल देता तो एक दिन जाते जाते उस बल्दिया के एक जीप जो है जेसीबी वो सीढ़ियों को लेके चल जाता वो बिल्डिंग वाले जाना ऊपर <laughs> पा, फ्लोर फोर्थ फ्लोर फ्लोर वाला उतरना कहा चल जाते तो ऐसे कितने की बिल्डिंगा है सही तो है। ये इलीगल बिल्डिंगों पर बिल्डिंगों में आप पैसे मत डालो गए तो गए तो चार रुपए थोड़ा अच्छे लीगल लेआउट्स और गवर्नमेंट को भी एक ओपनर है वो जैसे इलीगल बिल्डिंग्स को ज्यादा आप इंकरेज नहीं करना इलीगल बिल्डिंग्स को स्टार्टिंग में ही रोक देना और उसमें आपको दीवारों के जैसा बना दे रहे बिल्डिंगा फाइव फ्लोर बिल्डिंग दीवार के जैसा बीच में खाली फायर इंजन का पाइप भी नहीं जाता हवा हवा तो हवा हवा नहीं हवा नहीं फायर इंजन का पाइप नहीं कुछ नहीं कुछ भी होगा एक बिल्डिंग में लग गया तो पूरा कॉलोनी पूरा जल गया समझो सही है ऐसे बिल्डिंगा बहुत हो रहे तो ये चीज को माइंड में रखते हुए जो है ये कॉन्सेप्ट अलग तरीके से उसमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग जो इधर से उधर से कर्जा लेके अपने सेविंग्स से फ्लैट खरीद लेते वो लोग रोड पे आ जाते बात सही, सही है सही है तो उसको मैं... ऐसे बिल्डर्स को क्या सजा मिला उसमें बिल्कुल तो क्या है बोलके वो गुल्लू भाई रहते थे गुल्लू और उसके और उनके उसमें हुसैन बोलके वो अमेरिका से आए बेचारे वो उनको भी मौका, उनको भी मौका आप आपने आपने दिया हां बिल्कुल हाँ, वो जबरदस्त एक्टर हुसैन साहब जो है वो भी हैदराबादी पैदाइशी हैदराबादी है बाद में जाके अमेरिका में सेटल हुए उनको भी आपने मौका दिया बहुत इंटरेस्ट है हैदराबादी फिल्मों साजिद वाजिद बिल्डर्स थे बूम बूम अपार्टमेंट और बहुत अच्छा आपने और वो उसको भा और भा वो साठ गज भी डेवलपमेंट में लेते चिंदी बिल्डर <laughs> और दे, देने वाला कौन वो रघु डाला डाल <laughs> हाँ साठ गज में अरे उन्हें बोलता पचकड़ मारे तो बोलता उन्हें क्या रघु क्या बोलता सर रमेश डाकू रमेश उसका नाम डाकू रमेश बोलता साहब मेरा कुछ भी गलती नहीं है साठ गज में वेंचर डालेंगे गेटेड कम्युनिटी बनाएंगे ये बोले लोग वाजिद मेरे को नक्को मारे बोलता तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे माइंड में ऐसे बिल्डर है, है, है ऐसे बिल्डर है ऐसे चीजा करने वाले है लोग मतलब पैसों से मतलब रखते इंसानियत नहीं रूल्स नहीं रेगुलेशंस नहीं बाद में क्या होता उनको परवाह नहीं है। उन ऐसे बिल्डिंगों में रह के उन लोगों का कुछ भी हो गया कल के दिन मुश्किल है नहीं, नहीं। कॉमेडी तो हर, हर हाँ। अंदाज पे अपने जितने भी मैं बनाया अंग्रेज से लेके वो अ, मैं, जो अंग्रेज से लेके अपने फिल्म जितने भी है हमारे अंदर हमारे कॉम्पाउंड में या हमारे साथ के लोग जितने भी बनाए उसमें एक मैसेज रहता और कॉन्सेप्ट रहता ओके okay. आप देखिए आप ऑब्जर्व करें तो एवरी फिल्म देर आर नो देर इज नो हीरो एवरी एक्टर इज ए हीरो बट द कॉन्सेप्ट इज ए हीरो तो वो टाइप के फिल्म हम बनाए वो एक सिग्नेचर फिल्म है वो तो कोई एक किसी का हीरोइज पे नहीं है मैसेज रहता और मैसेज जो है कॉमेडी अंदाज पे पेश करने का कोशिश करते तो लोग जो है अब दुख दर्द बहुत हो गया दुनिया में सही. सीरियस फिल्म हम नहीं बना सकते सीरियस हम रह सकते मगर फिल्म नहीं बना <laughs> सीरियस फिल्म बनाए तो अब नहीं चलता बहुत मुश्किल है तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए स्ट्रेस की दुनिया हो गई लोगों को बीपी शुगर इतने 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 बीमारियां हो जा रहे इतना सीरियस है लो, लोग जी, जीने के वास्ते सीरियस हो गए सही तो ऐसे लोगों को हंसाना दिल बहलाना वो नेक काम है सही बात है तो, ये तो बात। वो है लेकिन मामा हैदराबादी फिल्में बनती हैं लोग पसंद भी करते हैं लेकिन अक्सर ये एक शिकायत होती है कि हमारी फिल्मों में हीरोइन को उतना तो मौका नहीं दिया जाता है इसकी वजह क्या है क्योंकि एज ए आप प्रोड्यूसर भी अगर बात करें या फिर अक्सर देखते हैं नहीं अपने फिल्म में हीरो ही नहीं है ना जी आप देखो हैदराबाद नवाज़ में दो हीरो है फॉर एग्जांपल मुन्ना और पप्पू दो हीरोइन से और दो घंटे का फिल्म में कितना अपन हीरोइन को और डुएडा उटा अपने फिल्मों में नहीं चलते

तो क्या सोशल मीडिया आने से हमारी हैदराबादी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है नो, सोशल मीडिया आने से हर हर कोई हैदराबादी बोल के दुनिया में जितने भी क्रिएटिव लोग हैं जिनको पहले प्लेटफॉर्म को ढूंढना पड़ता था अब खुद एक अपना प्लेटफॉर्म बना ले सकते ये है सोशल मीडिया का जो इम्पोर्टेंस और सोशल मीडिया का आने का एडवांटेज अच्छा हाँ जो हर कोई अपना अपना एक, अब जैसा फॉर एग्जांपल अपने अपने हैदराबादी फिल्म में, हैदराबाद में करे शेहबाज का कितना वो, वो, है। और बाकी के भी है तो अपने अपने बन रहे ना अभी तो कोई लिमिट नहीं है इसका यूट्यूब या ओ या कोई भी छोटे फिल्म कुछ अभी छोटा बड़ा बड़ा हीरो छोटा हीरो नहीं है कोई फिल्म अच्छी है तो ऑडियंस एक्सेप्ट करे तो वो इच बड़ा है नहीं लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की वजह से शायद हैदराबादी फिल्में बन नहीं पा रही हैं आप क्या सोचते हैं सोशल है? सोशल मीडिया को एडवांटेज में लेते हुए फिल्म बनाए तो जरूर हंड्रेड टू हंड्रेड परसेंट मैं अभी आप अपने हैदराबाद नोअप टू पहली फर्स्ट फिल्म है ओटीटी टी प्लेटफॉर्म को बेचा मैं आई डोंट एनी बडी एल्स सोल्ड और पहले के भी सी डी डी के टाइम में हाइएस्ट रेट में मैं ही बेचा सही है तो फिल्म बनाना एक है तो फिर उसको मार्केटिंग करना और उसका बिजनेस भी करना एक अलग वो है अगर ये नए मालूम है तो मुश्किल होता सही है आ, आप उसको कैसा उसको लेके जाना तो ये सब अगर आपको नए मालूम है तो प्रॉब्लम होता सही तो उसको एडवांटेज भी लेना आप उसको यूज़ करना आपका वो वो इस्तेमाल हाँ, करना, करना और और बिजनेस आपको मालूम रहना तो प्रॉब्लम होता है फिल्म भी बनाना कितने बना के भागने वाले प्रोड्यूसर हैदराबाद के जितने भी थे ज्यादा नहीं है बल्कि गुल्लू बनाया फिर मैं बनाया और कौन है बाकी बनाने वाले सही है ज़्यादा चेलेस हो नहीं है इसीलिए अब अब मैं हर किसी को हेल्प करने के उसमें बैठा हूँ मैं बहुत सारे फिल्मों को एक चार लाख पाँच लाख रुपए ज़्यादा दिलाया डीवीडी डीवीडिया नहीं बिक रहे तो बेचने लगाया ओ टी टी प्लेटफॉर्म ये इनको सोशल मीडिया में मतलब सिलीमोंग जैसे कंपनी है उन लोगों को बेचा मैं हेल्प किया आज भी कोई भी आदमी अपना एक कॉन्सेप्ट लेके एक फिल्म बना के बनाने से पहले आप सोचना एक बार सलाह मशवरा करना सही है पैसे लगने से पहले सलाह मशवरा करके आप फिल्म बनाए तो आपको कोई भी लैंग्वेज में एक कुछ दस बार सौ बार आपको उसको रिफाइन करके आप फिल्म बनाए तो सक्सेसफुल रहते आप मैं बना है तो नहीं चलता अरे मैं कह को बताऊँ उन्हें है उसको कहकू आपके एक्सपीरियंस जितने भी है मैं बोल के नहीं आप एक्सपीरियंस लोगों के जाके आप जो हॉनेस्ट है उन लोगों को आप शेयर करो आपका कॉन्सेप्ट को आपका स्टोरी को शेयर करो उसके बाद आप उस स्क्रीन पे लेके आओ सही है आपका नुकसान नहीं होता सही बात सही नहीं सही है। तो कितने की सारे फिल्म जो है पेटियों में पड़े हुए हैं सही है आ, रिलीज नहीं होते पैसे वेस्ट हो जाते सही है सही सही तो वो एज ए प्रोड्यूसर मैं बोलना चाह रहा हूँ सही बात आप आए इतना वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच मामा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच आधाबर से दूरदर्शन में आना हमारा खुशकिस्मती है और दूरदर्शन से दूरदर्शन से हम बचपन से जुड़े हुए हैं बाकी है। के टीवी तो बाद बाद में आए दूरदर्शन में आना बहुत बहुत खुशी की बात है जय जय। थैंक यू सो मच तो नाजरीन आज के लिए इतना ही ऐसे ही मेहमानों का सिलसिला हम जारी रखेंगे तब तक के लिए आप अपने दोस्त और होस्ट के बी जानी को इजाजत दीजिए आदाब हैदराबाद